हेलो जय माता दी फ्रेंड्स, कई बार देसी नुस्खे भी हमारे पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो आज एक ऐसी ही वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। आप देख सकते हैं इस पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो इसमें मैंने कुछ वाइट वाइट सा डाला हुआ है, ये मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये है यूजुअली जो टीचिंग में यूज होता है, सफ़ेद चौक जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आता है, ये मैंने मिट्टी के अंदर इसमें डाला हुआ है। तो जो ये वाइट चौक है ये मैंने मिट्टी के अंदर क्यों डाला है, इसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट, जो चौक होता है ये हमारी जो एक्स्ट्रा नमी है उसको सोखने का काम करता है। तो अगर आपके पॉट में ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी रुक जाता है तो आप दो तीन चौक इस तरह अपने एक पॉट्स में लगा दीजिए, उससे जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो ये चौक सोख लेंगे। तो पहला फ़ायदा हमारे पौधों का ये हो गया। और दूसरा फ़ायदा हमारे पौधों को ये है कि इसके अंदर 90% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मतलब कार्बन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा, ये सभी हमारे पौधों को मिल जाते हैं। तो ये मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन को बढ़ाने के साथ साथ कैल्शियम की भी आपूर्ति करता है। तो आप भी अपने पॉट्स में इस तरह हाफ हाफ चौक डाल दीजिए, ये कैल्शियम की आपूर्ति अच्छे से करेगा, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ साथ ये एक्स्ट्रा वाटर को भी ऑब्जर्व करेगा, मिट्टी के नेचर और पीएच वैल्यू को भी सुधारने का काम करेगा। ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ आधा चौक ऐसे इस तरह से डाल दीजिएगा, बहुत ही कमाल का रिजल्ट आपको देखने को जो है मिलेगा। तो जब 90% कैल्शियम कार्बोनेट होता ही है तो अन्य 10% जो है अन्य मिनरल्स भी होते हैं, क्योंकि जो चौक है वो मिट्टी के अंदर ही पाए जाने वाले पदार्थों से मिलकर बनता है। और भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो आप भी इनका यूज अपने पौधों के लिए ज़रूर कीजिए और अच्छा अच्छा रिजल्ट आपको भी देखने को ऐसे ही मिलेगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप भी इसी तरह इनका यूज़ करेंगे तो आपका भी पौधे बहुत हरे भरे और बहुत सारे फल और फूल लगेंगे। तो आप भी इनका यूज़ ज़रूर करके देखें।